दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पार्ट वन का एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें बहुत सारे दोस्तों को डाउट हो रहा है कि सही में ये सही है या फेक इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्त, यदि आपको वो इन्फॉर्मेशन फेक लग रहा है तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज जो है मैंने सही इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ कि पार्ट वन का फॉर्म कब से कब तक भराएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ललित नये मिथिला यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन है और ये सचिव देख सकते हैं सचिंद्र कुमार का जो यहाँ पे सिग्नेचर हुआ है 26/4/2019 को, आप देख सकते हैं। और ये 26/4/2019 का इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो में बताऊँगा कि कब से कब तक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और कब तक आपका विदाउट फाइन का है और कब तक आपका विथ फैन के साथ है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों, चलिए वो इन्फॉर्मेशन क्या है आपको दिखा देते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले बताया था वो भी 100% सही है। तो यहाँ पर देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये ललित नये मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। अब देखिए, यहाँ पे अधिसूचना है प्रथम खंड, यहाँ पे देख सकते हैं स्नातक प्रथम खंड परीक्षा 2019। यहाँ 26 छात्र छात्राओं एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को एकत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि ये आप पढ़ लीजिएगा, इतना पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा आपको, आप सही तरह से पढ़ लीजिएगा। आपका जो ऑनलाइन होगा आप देख सकते हैं www.lnmu.ac.in पे। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन करना है अपने मोबाइल से, किसी को बिना अतिरिक्त शुल्क दिए आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लगता है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप लोग निफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो जानकारी होगा वो मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा प्रपत्र स्वीकार करने की तिथि जो है बिना विलम्ब दंड के, तो आप देख सकते हैं 2/5/2019 से 12/5/2019 तक। और ये मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2/5 से 12/5 तक आपका बिना विलम्ब शुल्क के आपका फॉर्म फिलअप डेट होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे सामान्य विलम्ब दंड शुल्क के साथ, तो आपका विलम्ब शुल्क जो लगेगा वो 30 रुपया ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 13/5/2019 से आपको 16/5/2019 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये संभावित तिथि दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सैद्धांतिक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैद्धांतिक परीक्षा प्रारंभ की संभावित तिथि, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, संभावित तिथि दिया गया है 10/6/2019 से। और ये आपका 100% सही नहीं, इसमें आगे बदल भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं बदलेगा क्योंकि इलेक्शन के वजह से ये जो पार्ट टू का परीक्षा केंद्र था वो ही बदला गया है केवल। लेकिन आगे तो इलेक्शन नहीं है, 23 मई को तो रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का, तो मई में नहीं, एग्जाम 10 जून से स्टार्ट होगा, इसीलिए आपका एग्ज़ाम 10 जून से ही रखा जाएगा। खैर, कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको मैं बता दूंगा। इसके लिए मैं कब क्या होगा, प्रैक्टिकल कब है, एग्ज़ाम कब से कब तक ऑनर्स का चलेगा, सभी चीज़ के बारे में मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आपको कॉलेज में आपको ये शुल्क जमा नहीं करना है। ये शुल्क जो जितना लगेगा, किसी को 1000 रुपया लगेगा, किसी को 900 रुपया, किसी को 1100 रुपया, जो भी लगेगा वो आपको ऑनलाइन ही करना है। यहाँ पर ऑनलाइन कहाँ पर करना है, तो www.lnmu.ac.in पे, इस पर आपको क्लिक करना है, अभी ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों, इसी चीज़ के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, जो 2/5/2019 को वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। बिना किसी को आप दे देते हैं 100 रुपया 150 रुपया अतिरिक्त शुल्क ले लेता है, तो ये नहीं लगेगा आपको। आप खुद से अप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करिएगा और खुद से 5-10 रुपया में जाकर प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, मात्र 5-10 रुपया में आपका काम हो जाएगा, उसके बाद आप कॉलेज में इसे जमा कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे वीडियो बनाऊंगा, यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।